बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं दिखा रही हूँ आपको बलोची सूट। जैसे मैं अपने चैनल पर अक्सर ये वीडियोस दिखाती रहती हूँ बलोची सूट की, बलोची कुरैशिया की, तो आज भी मैं दिखा रही हूँ ये बलोची सूट। तो मैं आज फिर आपको दिखा रही हूँ बलोची सूट। जैसे कि शादियों के सूट होते हैं, कुछ हैवी काम वाले होते हैं और कुछ हल्के काम वाले होते हैं, तो ये भी एक शादी का ही सूट है। जैसे कि लड़कियों के अक्सर जहेज के सूट होते हैं, तो ये भी एक सूट है जहेज का। इस कपड़े को लंदनी वायल कहते हैं। ये बारीक सा कपड़ा होता है, इस पर अस्तर लगाया जाता है। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है तो इसके लिए अस्तर लगाया जाता है। इस पर ऊन के धागे से काम हुआ है और ये मशीन का काम है। कुछ हाथ के काम के होते हैं जो कि मैं भी चैनल पर शेयर भी कर चुकी हूँ हाथ के काम का। तो इसकी आस्तीन पर काम देख लें, कितना खूबसूरत वर्क हुआ है, जैसे कि हाथ का ही हो। मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से ये काम हुआ है। गले का काम और ये घेरे का काम, आस्तीन का काम बिल्कुल नफासत के साथ किया गया है। जहेज़ के और भी खूबसूरत से ड्रेसेस मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। ये ऊन के साथ वर्क किया गया है सारा का सारा, इसमें कोई रेशमी धागा नहीं है। जैसे कि हाथ के काम में ऊन का धागा यूज़ होता है, ऊन का धागा कभी भी ख़राब नहीं होता धुलने से, चाहे कपड़ा पुराना हो जाए लेकिन ऊन का धागा पुराना नहीं होता, ना ही वो ख़राब होता है। तो इसका मशीन से ही काम करते हैं आजकल, लेकिन ऊन के धागे से होता है। ये कमज़ोर सा है लेकिन ये बहुत अरसे तक चलता है, इसके काम में क्वालिटी होती है इसकी। ये लंदनी वायर का कपड़ा आप कराची के किसी भी मार्केट से ले सकते हैं। ये कपड़ा भी ख़राब होने वाला नहीं होता, बहुत अरसे तक चल जाता है। जैसे कि अक्सर लॉन के कपड़े होते हैं लीलन के, फट जाते हैं, तो ये फट्टा वगैरह नहीं है। इसमें रेशमी तार का इस्तेमाल होता है और सूती धागे का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन ये कपड़ा ख़राब नहीं होता है। इसे हमने पर्सनली यूज़ किया है इस कपड़े को, ये ख़राब होने वाला कपड़ा नहीं है और कलर वगैरह भी इसका सही रहता है। आप चाहें तो इसको थान से भी ले सकते हैं और एक सूट भी मिलता है, एक पूरा सूट 1200 या 1500 या 2000 के रेंज तक भी मिलता है ये कपड़ा। इसके कपड़े की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और बलोची सूट के लिए तो ये बिल्कुल ये सही रहता है। तो ये देख सकते हैं आप ओवरऑल इसकी सिलाई भी, और ये इसकी शलवार देखें, ये शलवार सिल्क की है और इस पर भी वैसे ही काम हुआ है जैसे कि कमीज पर हुआ है बलोची क्रॉक पर, वैसी तरह काम इसकी शलवार पर भी हुआ है, लेकिन ये सिल्क की शलवार है। वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, बलोची वीडियोस देखना चाहते हैं या बलोची कुरैशिया की वीडियोस देखना चाहते हैं या सूट की, या अगर बलोची सिलाई सीखनी है सूट की तो आप वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस बलोची काम के अलावा मैं सिलाई का काम भी करती हूँ और कुरैशिया का भी, हाथ की कढ़ाई का भी। अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे। इसके जो बलोची स्टाइल होता है, अक्सर गले के डिज़ाइन में कोने बने होते हैं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। इसकी शलवार का और कोई भी कपड़ा ले सकते हैं आप। ये इसका दुपट्टा है, इसके दुपट्टे का जॉर्जेट का कपड़ा है और इसकी भी मैं डिटेल वीडियो दिखाऊंगी। करीब करीब से फूल बने हुए हैं इस पर, जैसे कमीज का डिज़ाइन है वैसे इसके पूरे फूल बने हुए हैं इसके दुपट्टे पर भी। और ये बारीक जॉर्जेट का दुपट्टा है, इसके चारों किनारे पर कुरैशिया बनी हुई है। ये देख सकते हैं ये डबल साइडेड है, ये सिंगल साइड नहीं है। एक तरफ से कुरैशी करने के बाद फिर दूसरी तरफ से भी कुरैशी किया गया है, इसको तीन दफ़ा इसकी दोहराई की गई है। इस पर बीच में मोतियाँ भी लगाई हुई है, गोल्डन कलर के मोती। आप चाहे तो रंगीन से भी इसका काम कर सकते हैं और इसको सिंगल धागे से नहीं बनाए गए, इसको कलरफुल धागे से बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके लिए माजरत। और ये इसका पूरा दुपट्टा 2.5 गज का है। ये इस तरह के रेडीमेड सूट मिल जाते हैं, आप किसी भी मॉल में चले जाएँ, किसी भी शॉप में चले जाएँ,
और कुछ मखसूस जो मार्केटें होती है जैसे लियारी वगैरह की, तो उसमें पूरी पूरी मार्केट इसकी इन बलोची सूट की होती है। इनका आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और मज़ीद क्या देखना चाहते हैं आप, किस तरह की वीडियोज़ होनी चाहिए। तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।